Good morning, everyone. How are you? Fine. तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीके और जीके में हम पढ़ रहे हैं वॉटर एनिमल्स या फिर एक्वेटिक एनिमल्स. ठीक है, वॉटर एनिमल मतलब जो एनिमल जो सिर्फ पानी में रहते हैं. ठीक है, मतलब पानी में रहते हैं, पानी के बाहर भी रह सकते हैं और पानी में ही रहते हैं. ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं वॉटर एनिमल्स. ठीक है, जैसे हमने पेट एनिमल्स पढ़ा क्योंकि हम उनको घर में रख सकते हैं, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, है ना, वो फ्रेंडली होते हैं. और हमने वाइल्ड एनिमल पढ़ा, तो ये सब लैंड एनिमल होते हैं जो जमीन पे रहते हैं. और उनमें भी वाइल्ड एनिमल जंगल में रहते हैं, पेट एनिमल्स मीन्स घर में रहते हैं. और अब हम पढ़ रहे हैं वॉटर एनिमल जो वॉटर में रहते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉल्फिन. डॉल्फिन और फिश, तो डॉल्फिन एक फिश होती है. ठीक है, तो सबसे पहले एक्चुअली में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिश. सबने फिश देखी है, राइट? फिश मतलब मछली, दिख रही है आपको? ये कहाँ रहती है? पानी में. ठीक है, मछली सबने देखी है ना. फिशेस कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है, डिफरेंट डिफरेंट साइज की होती है, इतने सारे नाम होते हैं, मीन्स आप बोल भी नहीं सकते, है ना. छोटी बड़ी बहुत सारी फिशेस होती हैं. तो सबसे पहले वाटर एनिमल में क्या आती है? फिश, नॉर्मल फिश. ठीक है, FISH. ठीक है, फिश. नाउ उसके बाद हम पढ़ेंगे डॉल्फिन, DOLPHIN. डॉल, डॉल मतलब गुड़िया, पर इसका नाम है डॉल्फिन फिश. ये होती है एक डॉल्फिन फिश जो हमारी फ्रेंड होती है, मीन्स ये बहुत फ्रेंडली फिश होती है. ये आपको हार्म नहीं फैलाती है, ये आपसे फ्रेंडशिप कर लेगी, ये अलग अलग आपको बहुत सारे स्टंट करके दिखाएगी, मतलब कुछ ना कुछ पानी में करेगी, उछल कूद करके दिखाएगी. आप अगर आप इसको जहाँ पर जो एक्वेरियम्स होते हैं बड़े बड़े, अगर डॉल्फिन वहाँ होती है तो वो ट्रेंड हो जाती हैं. जैसे हम डॉग को ट्रेंड करते हैं वैसी ये डॉल्फिन फिश भी ट्रेंड हो जाती है, ये बॉल्स भी खेल सकती हैं आपके साथ. तो ये होती है डॉल्फिन. ठीक है, अब आती है वेल. वेल एक बहुत बड़ी मछली होती है, लार्जेस्ट वाटर एनिमल वो होता है वेल, है ना. और ये बहुत खतरनाक भी होती है और ये समुद्र में होती है. जो समुद्र में पानी में जो सबसे बड़ा एनिमल होता है वो क्या होती है? वेल, राइट? WHALE, वेल. अब आती है शार्क. शार्क, और ये सब फिशी है, डॉल्फिन भी फिश है, वेल भी फिश है एंड शार्क. शार्क होती है जो वही समुद्र में मिलेगी और बहुत शार्प होती है, बहुत तेज पानी में भागती है वो. और अगर मतलब आपको हार्म फैला देती है, आपको काट सकती है, वो आपको खा जाएगी. शार्क बहुत तेज होती है वो, है ना. अब आता है टॉर्टोइल, TURTLE, टॉर्टोइल. टॉर्टोइल मीन्स कछुआ. कछुआ तो हमें सबको पता है, हम सबने देखा है कछुआ, है ना. टॉर्टोइल मीन्स कछुआ, पानी में रहता है. कछुआ छोटे से लेके हर साइज का मिलता है, बड़ा सब कुछ, तो बड़े बड़े कछुए होते हैं. ठीक है, अब स्टारफिश. अब ये एक और फिश आ गई. ये जो स्टारफिश है ये स्टार जैसे ही शेप में होती है, यू ये आपको दिख रही है, इसे हम बोलते हैं इसीलिए स्टारफिश. ये है स्टारफिश. ठीक है, ओके. तो इस फिश का नाम ही है स्टार, इसलिए क्योंकि स्टार के शेप में होती है. ओके, अब है ऑक्टोपस. ऑक्टोपस सबने देखा होगा, उसके लंबे लंबे 8 हैंड्स होते हैं, है ना. मतलब एक हाथ नहीं होती उसके, 8 होते हैं. ऐसे गोल सा सर्कल होता है और ये 1, ये 2,
ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, सेवन और ये एट, और इसमें नीचे नीचे ऐसे ऐसे बड़े बड़े होल्स टाइप्स बने होते हैं जिससे ये किसी भी चीज को पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये है ऑक्टोपस। अब है क्रैब। क्रैब होता है केकड़ा, काटता है वो, है ना। आपकी अगर पानी में आपकी फिंगर या हाथ पड़ गया तो आप ऐसे पकड़ लेगा, काटता है वो। ठीक है, तो वो होता है क्रैब, सी आर ए बी, क्रैब। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, डॉल्फिन, फिश, व्हेल, शार्क, टर्टल, स्टार फिश, ऑक्टोपस, क्रैब, सील भी होता है, बहुत सारे वाटर एनिमल होते हैं, स्नेल होता है, ग्रीन टर्टल होता है, स्नेल होता है, ग्रीन टर्टल होता है, जेली फिश होती है, जेली जैसी दिखती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ऐसी रहती है और ऐसे 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 उसके विंग्स लटकते रहते हैं और यहाँ पर वो व्हाइट कलर की होती है जेली फिश। तो वाटर एनिमल बहुत बड़ी चीज है जिसमें बहुत सारे फिशेज एनिमल्स होते हैं। ठीक है, पर हम इन फिश इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और लार्जेस्ट वाटर एनिमल एक ही होता है, वो होती है व्हेल। ठीक है, तो अब आपको इसकी स्पेलिंग्स याद करनी है और इसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटी या क्वेश्चन आंसर है वो याद करने हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा और लर्न करिएगा। थैंक यू।